Assalamu alaikum everyone, this is Senior Co-Director Nosheen Islam. So I had my Oriflame haul for October 2021 with me. Here are the products. You must be excited about most of them. So what I'm going to do, I'm going to review some of them. Now kindly consider this is a review, okay? My product knowledge will be shared in the format of a picture plus an audio note which can be downloaded from my drive, okay? Other than that, I do make marketing ads, small 1 minute or 1.5 minutes advertisement, which I'm going to route in the Salesforce, so you can all benefit from that. So right now, it's just a review of what I have gathered on the first day from my shopping. Okay, so here it is. Ek new range aayi hai hamare paas, which is Optimals, theek hai. Ek to hamare paas even out, revamp hoke aayi hai, theek hai. Iska review main baad mein dungi, but first we are going for these gels and cleansers, because every time a new cleanser comes up, I am just out to get it. मुझे हर तरह के cleanser use करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि fruity smells होती हैं, कुछ deep cleansing होते हैं, कुछ creamy होते हैं, and I recommend everyone to change their cleansers 2 to 3 times a year according to weather conditions or skin conditions. ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास है deep cleansing gel, ठीक है. एज़ यू कैन सी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनक्लॉग करेगी पोर्स को, यानी कि डर्ट, ग्राइम ये सब हटाएगी. आप यूँ समझ लें कि जैसे होते हैं ना कि प्योर स्किन का आप लोगों को था इशू, को कहाँ है, इट वॉज़ फॉर एक्नी, बट हाउएवर किसी की जो है स्किन ऑयली है, तो उसके लिए जो है फिर हम ये दे देंगे. ओके, हेयर इट इज़ द डीप क्लींजिंग जो है, ठीक है, ये डीप क्लींजिंग. अच्छा, ये देखें मैं प्रेस कर रही हूँ, ये दब रही है, ठीक है, इस तरह की प्लास्टिक बॉटल में, जो कि हार्ड प्लास्टिक नहीं, सॉफ्ट प्लास्टिक है. ओके, सो हेयर इट इज़. अच्छा जनाब, रिकमेंडेड फॉर रफ स्किन, यानी कि रफ स्किन हो रही हो, पोर्स भरे हुए हो और बहुत आपको फ्रेश फीलिंग चाहिए हो, तो फिर ये डीप क्लींजिंग है. याद रखिएगा, वर्ड ही यही है, डीप क्लींजिंग जेल है. 84% जो कि पैनल में टेस्टर यानी कि लेडीज थी, उनको पूछा गया तो उन्होंने अग्री किया कि यस, कि ये स्किन को डीप क्लींस करती है, लेकिन उसको बचाती है कि वो एक्सेसिवली ड्राई फील ना करे, ठीक है. तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, अ डीप क्लींजिंग जेल. नेक्स्ट वी हैव अ कम्फर्टिंग फेशियल टोनर. कम्फर्टिंग यानी कि सूदिंग, ठीक है ना, यानी कि जलन हो रही है, रैश हो रही है, कुछ भी, तो फिर हम उसके लिए ये वाला कम्फर्टिंग टोनर यूज़ करेंगे, क्योंकि अल्कोहल फ्री है. याद रखिएगा, जिन टोनर्स में अल्कोहल होता है वो इरीटेट करते हैं स्किन को. 5-in-1 बेनिफिट्स हैं इसके, टोन करता है, सॉफ्ट बनाता है स्किन को, कंफर्ट करता है, नरिश करता है, इनके अंदर से जो है उसको मुलायम करता है एंड बैलेंस करता है स्किन के हाइड्रेशन लेवल्स. ये लिखा हुआ सब यहाँ पे, रिकमेंडेड फॉर एनीवन इन नीड ऑफ एक्स्ट्रा मॉइस्चर, ठीक है. अब जिसको एक्स्ट्रा मॉइस्चर चाहिए ना, हमने उसको ये रिकमेंड करना है, ठीक है. यानी कि थोड़ा ड्राई स्किन, थोड़ा इरीटेटेड स्किन, अमूमन जैसे फेशियल से आते हैं तो उसके बाद लोग कहते हैं इरीटेट हो रही है स्किन, या फेशियल प्रोसीजर्स कराते हैं, या थ्रेडिंग वैक्सिंग है, तो उसके बाद देन वी आर गोइंग टू रिकमेंड दिस वन. देन वी हैव द थर्ड वन, विच इज़ द क्लेरिफाइंग क्रीमी क्लेंजर, ठीक है. इट्स अ क्रीम टू फोम क्लींजर, यानी कि क्रीमी हो लुक होगा, जैसे जैसे आप इसको फेस पे रोटेट करेंगे तो फोमिंग हो जाएगा. इट डीपली एंड जेंटली क्लींजेस द स्किन, अगेन यही लिखा है, एंड रिकमेंडेड फॉर एजिंग स्किन, ठीक है. ये याद रखिएगा, दिस वन इज़ रिकमेंडेड फॉर एजिंग स्किन, यानी कि स्किन अगर थोड़ी सी 30+ पे जा रही है, रिंकल स्किन है, तो उसके लिए, एंड फॉर फेडिंग डार्क स्पॉट्स. अगर डार्क स्पॉट्स हैं उनको फेड करना, ये आपका गोल है, तो ये आपको मिल जाएगा. ये तीनों आपको जो है इस वक्त सेल में मिलेगी, यानी कि 25% ऑफ में, सो गो फॉर इट.